गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 1 मई 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 106.42। आज का इंपॉर्टेंट इवेंट इज एफओएमसी रेट डिसीजंस एट मिडनाइट। हमारा इंडियन टाइमिंग्स के हिसाब से मिडनाइट में एफओएमसी रेट डिसीजंस है एंड फ्राइडे का एनएपी डेटा। इस टू डेटा के ऊपर काफी मार्केट इंतजार कर रहे हैं। और हम चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे, चार्ट में हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 107 से 107.30 का। ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके नजदीक आके प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो इट्स अ कंसर्न। व्हाई कंसर्न? मींस ये जो कंसोलिडेशन नियर द रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेट्स दैट इट इज ट्राइंग टू गेदर द एनर्जी टू ब्रेक आउट ऑफ द रेजिस्टेंस जोन। सो आफ्टर द एनएपी डेटा, आफ्टर द एफओएमसी रेट डिसीजंस, क्या डॉलर इंडेक्स 107.30 के रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर सस्टेन करते हैं या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं, ये हमें देखना है। नेक्स्ट इज आवर जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर कल के दिन में अच्छा खासा बियरिशनेस के साथ क्लोज दिया है। फ्रॉम एन इंट्राडे हाई ऑफ 1.2564 इट ट्रेडेड लो ऑफ 1.2490 एंड क्लोज्ड एट 1.2492। सो इट्स ए स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल व्हिच एंगल्स द प्रीवियस बुलिश कैंडल। ये एक ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे हमारा यही देखना था क्या ये ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस को ऊपर तोड़ते हैं एंड ऑल्सो RSI व्हिच इज अप्रोचिंग 60, क्या ये 60 को इजीली क्लियर करते हैं। तो हमने क्या देखा कल के दिन में, वी सॉ दैट जीबीपी डॉलर मींस फॉल बैक फ्रॉम द हाई ऑफ 1.2560 एरिया। करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 1.2477। सो यहाँ पे जो हमारा दो रेजिस्टेंस लेवल था, वन था हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन दैट इज योर एट 1.2510 सो 1.2560 का, एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस लेवल का जोन का एक संगम था जहां पे ये रेजिस्टेंस लिया है। क्या आफ्टर द एनएपी डेटा जीबीपी डॉलर ये लो को टेस्ट करते हैं, ये हमें देखना है पहला बात। एंड दूसरा बात, या ये कल का जो रेजिस्टेंस नेगेटिव कैंडल है उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाके फिर हायर डायरेक्शंस के लिए इंतजार करते हैं, इसको हमें देखना है। सो हियर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन पॉसिबिलिटी इज ये जो स्विंग लो है डेटेड 22nd of April एट 1.2300, क्या ये आपका 1.2300 लेवल को दोबारा चैलेंज करने के लिए प्रोसीड करते हैं, या इट इज अगेन ब्रेकिंग अबव द प्रीवियस डे हाई एट 1.2565 के ऊपर जाके क्लोज देते हैं। इन दैट विल डिटरमिन आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आज के दिन में बिफोर द डाटा मीन्स साइडवाइज वॉलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड। Now comes to our GBP INR. GBP INR में यहाँ पे जो horizontal resistance zone था, उसको तो तोड़ के ऊपर चला गया था आपका 29th of April को, but यहाँ पे एक trendline resistance था जिसमें ये resist respect कर रहे हैं, यानी sharp कल के दिन में एक downward move हमने देखे हैं in the currency pair, and आज since morning ये follow through दिख रहे हैं। So important is, and again the NFP Fed rate decisions, जिसके जो आज midnight Indian Standard Time 11:30 को आने वाले हैं, उसके बाद followed by the press conference, तो उसके बाद क्या हमें ये जोन को दोबारा टेस्ट करेगा प्राइस एक्शंस? What is that zone? That is your 102.60. इस जोन को ये टेस्ट करेगा या आपका कल का जो हाई है, कल का हाई है आपका 104.7 है, इसके हाई के ऊपर प्रोसीड करेगा। दैट विल डिटरमिन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। एंड जब तक आइदर साइड नहीं होते हैं तब तक यहाँ पे इस रेंज के अंदर में साइडवाइज चॉपी बिहेवियर करने के लिए रहेगा। अभी आते हैं हमारा यूरो डॉलर। यूरो डॉलर कल के दिन में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी के साथ क्लोज दिया हुआ है। विद एन इंट्राडे हाई ऑफ 1.0935 इट ट्रेडेड लो ऑफ 1.0665
and closed at 1.0665, almost at the low, today's low. So, and अभी के दिन में अभी क्या हो रहा है, 1.0655 यानी नीचे की तरफ फॉलो थ्रू दिख रहे हैं. सो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस जोन, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन था, उसी में अटैक गया है एंड यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के साथ नीचे जा रहा है. एक परफेक्ट प्राइस एक्शन है जिसके कारण देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के यूरो डॉलर इज गोइंग टू चैलेंज द लेटेस्ट स्विंग लो, रिसेंट स्विंग लो विच इज 1.06, उसकी तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है. सो हमें देखना है क्या ये आपका रेट डिसीजंस के बाद नीचे को चैलेंज करते हैं, एक बार चैलेंज करने दीजिए, उसके बाद ब्रेक होता है नहीं होता है दैट इज द नेक्स्ट लेवल, या ये इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल उसके तोड़ के ऊपर के तरफ जाते हैं. नेक्स्ट इज आवर यूरो आईएनआर, सिमिलरली इट इज एक्सपेक्टेड टू चैलेंज द रिसेंट स्विंग लो एट योर 88.50 ही ले लेते हैं, 88.05. उसके बाद एफएमसी रेट डिसीजंस के बाद हमें देखना है क्या ये नीचे की तरफ जाते हैं या ऊपर की तरफ आफ्टर द रेट डिसीजंस, कुछ बिहेवियर हम देखते हैं. इन द मीन टाइम यहाँ पे एक इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसको अगर ऊपर जाना है तो इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के फोड़ के ऊपर की तरफ जाने का तैयारी करना पड़ेगा. अभी आते हैं डॉलर येन. डॉलर येन कल के दिन में काफी स्ट्रेंथ लिया है, फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 156.05 इट ट्रेडेड हाई ऑफ 157.85 एंड क्लोज्ड एट 157.78. सो यहाँ पे ये जो प्रीवियस डे का, दैट मीन 29th अप्रैल का जो स्पिनिंग टॉप है, इसका हाई एंड लो आर क्रूशियल. अभी देखना है कि ये हाई को चैलेंज करते हैं फर्स्ट या लो को चैलेंज करते हैं फर्स्ट, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम देख सकते हैं. सो ये रेट डिसीजंस के बाद हमें देखना है क्या ये 160 के ऊपर जाते हैं या 154.50 के नीचे जाते हैं. इट विल डिटरमिन डॉलर येन नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. येन आईएनआर पे भी अच्छा खासा सेलिंग देखा गया. अभी ये जो 29th अप्रैल का जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप नहीं है, यहाँ पे लार्ज बॉडी है. सो इट्स ए मींस इनडिसिजन कैंडल, इसका लो एंड हाई बिकम्स क्रूशियल. अभी देखना है क्या ये W पैटर्न बना के ये ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ ये लो के नीचे सस्टेन करते हैं. नेक्स्ट इज डॉलर कैंडल इज एट 1.3780. कल के दिन में जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ प्राइस एक्शन ऊपर मूव किया, फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 1.3656 इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.3785 एंड क्लोज्ड ऑलमोस्ट देयर. ये काफी बढ़िया सा बुलिशनेस था, हमारा यही एक्सपेक्टेशंस था कि ये जो सपोर्ट जोन है इसके इस लेवल पे आके या नजदीक आके एक बाउंस बैक ना करते. अभी बाउंस बैक किया, व्हाट नेक्स्ट के लिए अभी ये जो इमीडिएट स्विंग हाई है क्या इसको तोड़ते हैं बंदे या नहीं. अगर तोड़ते हैं तो ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है 1.3950 के आसपास उसको चैलेंज करेगा. अभी ऑसी डॉलर 5.6472 कल के दिन में आपका जबरदस्त स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है एंड फ्रॉम एन इंट्राडे हाई ऑफ 6567 इट ट्रेडेड लो ऑफ 6471 एंड क्लोज्ड देयर ओनली. अभी ये जो जोन है इसके लो के नीचे आ रहे हैं, दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमारा एक फॉल्स ब्रेक डाउन था, इस ब्रेक डाउन के ऊपर चला गया था तो हमारा टारगेट था ये, मोर देन 50% टारगेट अचीव भी कर लिया था, लेकिन अभी फिर दोबारा नीचे आ रहा है तो ये हमारा कैलकुलेशन जो है ये पूरा का पूरा बिगाड़ दिया है, गड़बड़ हो गया है. अभी हमें नए सिरे से प्राइस एक्शंस को देखना पड़ेगा कि ये अंदर रहते हैं या बाहर जाते हैं, यानी इस बॉक्स रेंज के अंदर में रहते हैं या बॉक्स रेंज के बाहर नीचे की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट विल डिटरमिन द नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्राइस एक्शंस. अभी आते हैं सीएनएच कंसोलिडेट कर रहे हैं 7.2475, ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहे हैं. ये हमें आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में ये जो रेजिस्टेंस जोन है 7.29 has to be monitored and properly. Why has to be? The reason is ये अगर 7.29 के ऊपर जाते हैं तो हमारे डॉलर रुपए में घंटा बजने वाला, डंग 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 alerts. So next is Brent crude. कल के दिन में Brent crude में क्या activities हुआ है?
कल के दिन में अच्छा खासा नेगेटिविटी के साथ चल रहा था, ये आपका क्लोज दिया था 87.87, आज के दिन में गैप डाउन ओपन आया है। अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट जो दो एरिया था, कहाँ पे था, आई थिंक इट्स इन वीकली, इट्स इन डेली ओनली, या हाँ, ये आपका 19 अप्रैल का हाई एंड 20 अप्रैल का लो। 19 अप्रैल के हाई के ऊपर आपका 26 अप्रैल को गया था, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो शार्पली नीचे की तरफ आ गया है, जो इट इज अनदर फॉल्स ब्रेकआउट का सिंबल्स है, जिसके कारण हमने डिस्कस भी किया था। आपका क्या ये आपका ब्रेंट क्रूड फ्यूचर इज फर्स्ट हेडिंग टुवर्ड्स द स्विंग लो, दैट इज 86.00 की तरफ। इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो बहुत खतरा, क्या खतरा है, बहुत नीचे की तरफ 80-50 एंड 78 के तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त बायकर सेलिंग का एक प्राइस एक्शन बना रहा है। क्या प्राइस एक्शन बना रहे हैं, आप देखो कंटिन्यूअसली, अब खुद देख लो, यहाँ पे जाके और नया हाई बना नहीं पाया, रेदर नया लो बना के जो हाई बनाया दिस लोअर देन द प्रीवियस है, एंड नाउ ये तोड़ने का बाकी है, तो क्या होगा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो मतलब नीचे की तरफ। सो ये हायर प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए हमें इसके लो के नीचे इंतजार करना पड़ेगा। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 4.688, ये जो खतरनाक एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ये हमें देखने का देखना पड़ेगा। देन इज आवर 2 ईयर ट्रेजरी जो 5.07 के आसपास मंडरा रहा है, ये कंसोलिडेशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न रिपीटेडली आई वाज टेलिंग, तो इट इज गैदरिंग एनर्जी टू ब्रेक अबोव द हायर साइड, ब्रेक अबोव द रेजिस्टेंस लेवल टुवर्ड्स द हायर टेरिटरी, हायर पॉसिबिलिटीज लग रहा है, लेकिन अभी सिर्फ डेटा है, मेजर डेटा है, हमें इंतजार करना पड़ेगा रदर देन स्पेकुलेटिंग कि रेट कट करेगा रेट कट नहीं करेगा ये करेगा वो करेगा, उनको जो करना है फेड गवर्नर को फेड रेट डिसीजंस को लेट देम टू डू, वी विल वेट एंड वॉच एंड उसके बाद हम फॉलो करेंगे। सो ये हो गया सब कुछ, उसके बाद आते हैं लास्ट में डॉलर रुपये, डॉलर रुपये में 83.46 एफएमसी रेट डिसीजंस एंड के लिए थोड़ा सा प्रेशर डॉलर रुपये में है, आज रात को अगर कुछ होता था कल जब ओपन में मैं भी तो 83-60-70 की तरफ जाएगा, वहां पे हमें क्या देखना है, इनविजिबल हैंड्स का माइटी हैंड एंड देयर इंटेंशन, क्या ये इसको मींस कंट्रोल वे में रखना चाहते हैं बिलो 70-80-70 रखना चाहते हैं या नहीं, दैट इज गोइंग टू डिसाइड देयर इंटेंशंस बेसिकली। माइट पावर तो बहुत है, दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट क्या इंटेंशंस है कि इस रेंज के अंदर में, कौन सा रेंज है, नीचे की तरफ 82-83.00 यहाँ पे आप अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे एक बढ़िया सा फ्लैग पैटर्न हो रहा है, नंबर ऑफ कैंडल्स इज नॉट मैचिंग बिकॉज़ नंबर ऑफ कैंडल्स इज मोर, तो ये कंसोलिडेशन के बाद एक अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा इस रेंज के हिसाब से एक अपवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा दे रहा हूँ डरिए मत, जस्ट बी प्रिपेयर फॉर द अल्टरनेट कंसीक्वेंस, यानी 84.50 ये अगर ऊपर की तरफ तो टूट जाते हैं एंड दे आर इनविजिबल हैंड्स आर नॉट इन ए मूड टू रेस्ट्रेन द रुपी डेप्रिसिएशंस, तो नया लेवल देखने के लिए मिल सकता है टुवर्ड्स 84.50, लेकिन इसके लिए काफी कुछ काम है, हमने बताया था इनविजिबल हैंड्स नंबर वन, नंबर टू CNH, नंबर थ्री डॉलर इंडेक्स। सो अभी कौन सा इम्पैक्ट करेगा, ऑल्सो सर्टेन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का भी कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर हमारा कोई एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट, ओनली थिंग इज दैट चाइना ताइवान का एक कभी भी कुछ होने का प्रोबेबिलिटीज बन सकता है, सो एनीवे वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट वन। सो यहाँ पे अगर इस रेंज के ऊपर जा चले जाते हैं एंड इनविजिबल हैंड्स are not in mood to restrain the rupee depreciations in such a case, rupee dollar, dollar rupee is expected to move higher towards 84.50. So this is the expectations that we need to wait and watch this resistance. So currency, daily analysis, abhi ke liye itna hai, aasha karta hu ye presentations aapko achha laga, if so like kijiye comment kijiye share kijiye, thank you and have a great day, bye bye.